ये साल विदा लेने की कगार पर है और नया साल दस्तक देने को तैयार है, लेकिन साल के आखिरी में ठंड के साथ कोहरे की चादर ने उत्तर भारत को अपने आगोश में ले लिया है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और प्रयागराज शहरों के नाम बेशक अलग अलग हैं, लेकिन वहां से आ रही तस्वीरें लगभग एक जैसी हैं। सड़कों पर कोहरा पसरा हुआ है, सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। विजिबिलिटी कम होने से उड़ानों पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेन भी कोहरे की वजह से अपने तय समय से देरी से चल रही हैं। ऐसे में हाईवे और जगह जगह चेतावनी वाले बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें स्पीड पर नियंत्रण रखने और फॉग लैंप ऑन रखकर गाड़ी चलाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड के साथ कोहरा और घना होगा। साल बीतने को है, नए साल का स्वागत करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं, लेकिन ये साल का वो हिस्सा है, मौसम का वो पड़ाव है, जब दरअसल पूरा उत्तर भारत कोहरे की चपेट में होता है और उसकी शुरुआत देखने को मिल रही है सुबह से ही। खासकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, दिल्ली, पूरा एनसीआर, और मैं जहां पर खड़ा हूं जिस कर्तव्य पथ पर, आप समझिए कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रपति आवास है, राष्ट्रपति भवन है, लेकिन पूरी तरह कोहरे की जो चादर है वो इतनी मोटी है कि सब कुछ इनविजिबल हो चुका है, लगभग अदृश्य हो चुका है। काफी मोटी परत है, लेकिन धुंधली तस्वीरों के जरिए जो आप देख पा रहे हैं, दरअसल परेड की तैयारी, रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां हो रही हैं, तो जितने भी कंटिजेंट हैं वो अब जो अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारियां करने में जुट गए हैं कर्तव्य पथ पर। अब दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं, जो इंडिया गेट के बेहद करीब हूं मैं, लेकिन यहां पर भी विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो चुकी है। आलम ये है, दरअसल देखिए दिल्ली का ये जो इलाका है, आपको फिर भी यहाँ विजिबिलिटी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, जहां 400 से 500 मीटर है। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा घट गई, जिसका असर सीधा सीधा उड़ानों पर पड़ेगा। इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, कई जगहों पर मैंने गाजियाबाद से दिल्ली आते हुए देखा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई जगह ऐसे बोर्ड्स लगा दिए गए हैं, एलईडी बोर्ड के जरिए बताया जा रहा है कि घना कोहरा है, संभाल कर चले। तो ऐसे में अगर आप घर से निकलते हैं तो बहुत कुछ चीजों का पालन बेहद जरूरी है।